हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं अपने खेतों में और ये हमारे खेत है। इसको हमने चारों तरफ से देखा, ये तैयार हो चुका है। 10 से 12 दिन यानी कि वन वीक या 2 वीक के अंदर अंदर इसमें कटाई चालू हो जाएगी। ये अपना खेत है, इधर अपना भूरा खड़ा है, भतीजा अपना बोला चलो चाचू यार खेत देख आते हैं कैसा कैसा नहीं। मैं चलो चलते हैं, चलो अब चलते हैं थोड़ी आगे। खेत खाद तो घूम लिए, देख लिया खेत खाद, भाई खेत ठीक है अपना। अब चलते हैं थोड़ा बाहर बाहर की तरफ को। ये अभी मेड़ पे हैं हम लोग, उधर अपना भतीजा बुरा। आजा बुरा, आजा बेटा, चलो 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 चला है। देखो भाई, वीडियो बड़ा बढ़िया तरीके से बनना चाहिए, कोई शिकायत नहीं रहा वीडियो में। ये अपना खेत है, अपने खेत में घूम रहे हैं। अब हम लोग निकलने वाले हैं चक्रोड पे। चक्रोड पर आ गए, दिखाते हैं आपको प्लेन में गेहूँ की खेती किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होती है। तो ज़्यादातर हमारे इधर तो जो है गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। ये देखिए चारों तरफ जिधर भी नज़र डाल के देखेंगे ना, उधर गेहूं ही दिखाई देगा सब तरफ। बिल्कुल 50-50 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर तक निकल जाएंगे आप, सिवाय गेहूं के कुछ दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे लोगों ने सब्जी भी लगा रखी है, सब्जी के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। क्यों बुरा? और सब्जी अपने इस बार भाई सुनने में आ रहा है गेहूँ महंगा रहेगा, महंगा रहेगा। उसका क्या कारण है थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका कारण क्या है महंगा रहेगा गेहूँ। गेहूँ महंगा रहने का कारण क्या है? अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है। तो इस समय यूक्रेन का गेहूँ जो है वो तबाह हो चुका है, ठीक है। तो महंगाई तो थोड़ी बहुत रहेगी और दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो भाई मैं तो ज़्यादातर यही कोशिश करूँगा कि गेहूँ थोड़ा बहुत रोक लें आप किसान भाई। तो रोकने का क्या फ़ायदा होगा कि थोड़े बहुत पैसे, 2 पैसे बढ़ती मिल सकते हैं किसान भाइयों को। बाकी भाई आपकी मर्जी है, और किसान क्या रोकेगा भाई, किसान के पास पहले से इतना कर्जा हो जाता है। कोई अपनी बेटी की शादी करता है, कोई अपनी बहन की शादी करता है, वैसे कर्जा ले लेते हैं, तो वो तो किसान तो मुश्किल से ही गेहूँ रोक पाएगा, मतलब ही नहीं है रोकने का, है नहीं बुरा? क्योंकि किसान तो, इंडिया का किसान तो हर वक्त कर्जे में डूबा रहता नहीं बुरा? हाँ, तो भाई इंडिया का किसान तो गेहूँ रोक नहीं पाएगा। पर मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा उम्मीद कि इस बार जो है गेहूँ महंगा रहने वाला है 100%, ज़्यादा नहीं तो 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये जो भी बढ़ने वाले हैं, पर बढ़ेंगे ज़रूर। वो अभी गेहूँ कटेगा उसके बाद पता लग जाएगा क्या रेट है क्या रेट नहीं रहने वाला, वो बात की बात है। पर हमारे इधर गेहूँ होता बहुत भरपूर मात्रा में, है नहीं बुरा? जिधर भी नज़र उठा के देखेंगे गेहूँ ही दिखाई देगा, गेहूँ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, है नहीं बुरा? क्या बोलता? बढ़िया, महक निकल गया यार। चलो बुरा, कहना चाहो कुछ अपने दोस्तों से? कुछ क्या कहना चाहेंगे, हमें फेमस करो, उठाओ, हम आपके लिए बढ़िया फसल के बारे में सब कुछ बताएंगे, सब्जी कैसे होती है, गेहूं की खेती कैसी होती है, धान की खेती कैसी होती है। ये आप, हम आपको सब खेतों के बारे में, किसानी के बारे में आपको हम नॉलेज देना चाहेंगे। ये भतीजा अभी अपना पढ़ाई कर रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है अभी, दसवीं हाई स्कूल कर लिया इसने, दसवें का अपनी 10वें की जो परीक्षा होती है वो पास कर ली है। अभी ये 11वें में इसका एडमिशन हो गया और ये गाँव में पढ़ रहा है। हमारे यहाँ स्कूल है इकरा मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, इंटर कॉलेज है। वहाँ से ये 12वीं करेगा, उसके बाद देखेंगे फिर इसको क्या कराना, कहाँ भेजना कहाँ नहीं भेजना। पर 12वीं तक ये अपना भतीजा गांव से पढ़ेगा। मैंने इसको बोल दिया अभी तक पढ़ाई करो, यूट्यूब पर अभी नहीं आना, यूट्यूब पर आना थोड़ा बहुत पढ़ लो लिख लो उसके बाद। और यूट्यूब पर आना भाई, ऑनलाइन पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है, दुनिया पैसा कमा रही है, ठीक है। हम तो चलो फिर भी कोशिश कर रहे हैं भाई पीछे पीछे, और अब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब पर आएँ और अपना टैलेंट दिखाएँ, वीडियो बना के डालें, पैसा कमाएं, ठीक है भाई। मेरे पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को 8 साल के 10 साल के बच्चों को बैग उठा के भेज देते हैं दिल्ली, भाई जाओ दिल्ली जाओ सिलाई करो जाके, बहुत गलत बात है। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा और आपका भविष्य भी सुधरेगा, गलत कह रहे हैं बुरा? बढ़िया बढ़िया, कुछ नहीं आजकल के ज़माने में बच्चा ज़्यादा नहीं तो इंटर तो करोगे, हो इंटर कर लेना, इंटर करना इस टाइम बहुत जरूरी है। बगैर इंटर की मार्कशीट नहीं है तो आपका लाइसेंस भी नहीं बनेगा फिर। अच्छा अच्छा, बहुत सारी परेशानी आती है कहने का मतलब। हाँ, तो भाई हमारा भतीजा देखो कितना समझदार है, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मार्कशीट नहीं होगी हाई स्कूल की या इंटर की, तो आपको बहुत सारी परेशानी आने वाली हैं, कि जैसे कि लाइसेंस से संबंधित परेशानी आने वाली हैं, लाइसेंस नहीं बन पाएगा आपका, अगर बनेगा तो दिक्कत आने वाली है। तो भाई बच्चों को अपने जरूर पढ़ाओ, अपनी सोच बदलो। 10-12 साल 15 साल के बच्चे को दिल्ली भेज देते हैं, वहाँ पर जाके वो रात दिन काम करता है, डायरिया बन जाता है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे मर भी गए हैं, पूरा मर गए, नहीं मर गए हैं, चीज हो गए हैं सारे बच्चे, ये 15-15 18-18 साल के मर गए। तो भाई मेरे अपनी सोच बदलो, अपने बच्चों को पढ़ाओ,
अगर आपके बच्चे पढ़ गए तो आपकी ज़िंदगी वैसी सफल हो जाएगी। कोई सिलाई वलाई का काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है। जब तक उसकी 18 साल से कम उम्र है उसको पढ़ाओ, 18 साल के बाद वो क्या करता है क्या नहीं करता उसकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपका बच्चा है नहीं बुरा, कुछ भी करवाओ। पर मैं तो चाहता हूँ कि 18 साल तक अपने बच्चे को पढ़ाइए, बढ़िया तरीके से पढ़ाइए, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। गलत कह रहे हैं बुरा? बढ़िया बढ़िया एकदम। इसके पापा भी दिल्ली भेज रहे थे, मैंने उनको बहुत सुनाया, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं इसको पढ़ाएंगे, अभी हम 18 साल तक ये पढ़ाई करेगा, बढ़िया, उसके बाद इसकी मर्जी है भाई। अगर आगे कोई नौकरी नौकरी के लिए पढ़ना चाहेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना चाहेगा तो अपना ऑनलाइन काम करेगा, बतेरे तरीके हैं काम करने के, है नहीं पूरा? बढ़िया। चलो दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार आपको गेहूँ और दिखा दे रहा हूँ, देखो अभी हम कितनी देर से चल रहे हैं, और वो हमारा गाँव दिखाई दे रहा है बहुत दूर, वहाँ तक सब गेहूँ ही गेहूँ है, जिधर भी नज़र डालेंगे सब गेहूँ ही दिखाई देगा चारों तरफ। 85 एकड़ का रकबा है, 85 नहीं 100-200 एकड़ का रकबा है, पता नहीं कितनी एकड़ ज़मीन है पता ही नहीं है। यहाँ से चले जाओ 500 किलोमीटर तक चले जाओ भाई साहब, यूपी यूपी है, उत्तर प्रदेश, सब गेहूँ ही दिखाई देगा। थोड़ा सा बीच में गन्ना दिखाई देता है क्योंकि तराई इलाका है पीलीभीत का, तो लोग जो है वहाँ पर नीचे नीचे गन्ना लगा रखा है। उसके अलावा फिर आगे बढ़ेंगे फिर गेहूँ ही गेहूँ दिखाई देगा, तो गेहूँ भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में होता है उत्तर प्रदेश में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, आप गांव से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। ले बन गई वीडियो।